साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी फार्मेसी पे क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिकल से संबंधित या कैरियर से कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी तरह की क्वेरी है, तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे, हम उसका आंसर जरूर देंगे। साथियों, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करके एंड बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हमारे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, तो मैं उनका हॉस्पिटल का ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, सर डी फार्मा बी फार्मा में अंतर क्या है, दोनों को करने के बाद कहाँ काम करेंगे, कितना कमा सकते हैं। विद्यार्थी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसमें तीन चीज़ें पूछी हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा, और दोनों करने के बाद जॉब क्या करनी है, और साथ ही साथ हाउ मच गेटिंग द मनी, जो है कितना पैसा कमा सकते हैं। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जुड़ के हमारे यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन करेंगे, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। अदरवाइज फेसबुक पेज हमारा इजी स्टडी फार्मेसी के नाम से भी है। साथियों, उस पर कुछ ही तरह का क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, विद्यार्थी ने जैसा कि पूछा है कि डी फार्मा बी फार्मा में अंतर क्या है, साथ ही साथ दोनों करने के बाद मतलब कहाँ काम करेंगे, मतलब वर्क प्लेस क्या है, कहाँ पर वर्क करेंगे और कितना कमा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊँगा डी फार्मा और बी फार्मा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जो भी विद्यार्थी हैं। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी एक टू ईयर का क्वेश्चन वो कोर्स है। साथियों, टू ईयर प्लस थ्री मंथ, साथियों दो साल का जो है कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपको क्लास करना पड़ेगा, और वहाँ पे टू ईयर में टू टाइम फाइनल एग्ज़ाम होगा और बीच में सेशनल एग्ज़ाम आपके होते रहेंगे, और उसके बाद थ्री मंथ 500 आवर्स की आपकी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है। साथियों, डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, वीवो लगा सकते हैं, आईवी सेट लगा सकते हैं, मेडिको लीगल टीम ड्यूटी संपादित करते हैं, दवा का रखरखाव कर सकते हैं, और साथ ही साथ दवा को जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, दवा मतलब मरीज को बांटना और दवा की डोज के बारे में बताने का काम आपका है, क्योंकि क्लिनिकल में मैप है। साथियों, जितने भी अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में जाएंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे कि यूपी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जहाँ पे सीएससी हैं, पीएससी हैं, 100 बेड हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल हैं, महिला जिला अस्पताल है, साथियों संयुक्त चिकित्सालय हैं, उसके बाद सीएससी है, पीएससी है और एडिशनल सीएससी है। तो साथियों, उसमें होता क्या, जितने भी फार्मासिस्ट मौजूद हैं जो पोस्टेड हैं सरकारी हैं, वो सभी डी फार्मा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि क्लिनिकल में मैप है, दवा का रखरखाव, दवा का वितरण, दवा मरीज को देना, दवा उसकी डोज को बताना जो है फार्मासिस्ट का काम है, जो डी फार्मा है। साथियों, ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें भी आप जाएंगे फार्मासिस्ट डी फार्मा ही मिलेंगे, पीजीआई जाएंगे, एम्स जाएंगे, केंद्र की किसी तरह की जो है हॉस्पिटल है, जैसे कि रेलवे के हॉस्पिटल हैं, एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के हॉस्पिटल हैं, किसी तरह के हॉस्पिटल हैं, उसमें जो है आप जो है जाएंगे तो वहाँ पे जो है फार्मासिस्ट मिलेगा, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। साथियों, बी फार्मा में अंतर क्या है, ये बैचलर डिग्री है, फोर ईयर का कोर्स है, प्लस सिक्स मंथ जो है इंडस्ट्री में इसका जो है क्या होता है प्रोडक्शन में जो है ट्रेनिंग है, अदरवाइज अब तो हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग कर दिया है। साथियों, थर्ड ईयर में कंपलसरी कर दिया है, उसमें क्या होता है नंबर देते हैं। साथियों, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है, किसी इंस्टीट्यूट में मतलब कई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है 30 डेज की ट्रेनिंग मानते हैं, कोई 45 डेज की ट्रेनिंग मानते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, थर्ड ईयर में जो है बी फार्मा जो विद्यार्थी कर रहा होता है, उसको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग का फॉर्म देते हैं और 45 डेज की उसकी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है। साथियों, उसमें हम सभी को सिखाते हैं कि इमरजेंसी ड्यूटी कैसे चलती है, इमरजेंसी में क्या क्या होता है, मरीज आता है डॉक्टर के साथ, एक फार्मासिस्ट रहता है, मरीज को क्या प्रॉब्लम है, सभी कुछ उसकी एंट्री करना है, उसको जो है फर्स्ट एड सारा कुछ देने के बाद, हॉस्पिटल में बीएसटी उसकी भरने के बाद, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, उसको जब वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो नर्सिंग केयर का काम है। साथियों, उसके बाद मेडिकल लीगल ड्यूटी संपादित करते हैं, वीआईपी ड्यूटी है, साथ ही साथ उसको स्टेथोस्कोप कैसे लगा के जो है चेक करते हैं मरीज को, SpO2 कितना होता है कैसे चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे मशीन को चेक करते हैं,
बहुत सी चीज़ें जो है हम सिखाते हैं। साथ ही साथ सभी जगह बदल बदल के ड्यूटी लगाते हैं, ओपीडी में लगती है जहाँ पे दवाई का वितरण होता है। बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं जो सुबह सुबह ओपीडी करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, दवाइयाँ लिखते हैं, उसके बाद टिटनस का लिखा इंजेक्शन अगर किसी महिला को लगना है तो इंजेक्शन रूम भी फार्मासिस्ट के पास होता है, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद होता है, इंजेक्शन लगाता है। और ओपीडी में क्या होता है, दवा वितरण उस पर स्लिप पर लिख दी जाती है, और वो दवा वितरण करना और दवा को बताना फार्मासिस्ट का काम है। उसमें गायनिकोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, हार्ट के डॉक्टर होते हैं जो है, साथ ही फिजिशियन होते हैं, डेंटल के डॉक्टर होते हैं, आर्थो के डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं। उसी तरह से चेस्ट ओपीडी है, उसमें जो है उसके बाद क्या कहते हैं प्लास्टर रूम में, वहाँ पे भी ड्यूटी लगती है, इंजेक्शन रूम में वहाँ पे भी, भंडार में भी वहाँ पे भी, सभी जगह का वर्क क्या है, कैसे क्या जो है बैलेंस करते हैं, मेडिसिन ख़त्म होती है कैसे, क्या डेबिट है क्रेडिट है, कब इंडेंट कैसे बनता है, सभी कुछ हम साथियों जो है विद्यार्थी को सिखाते हैं। साथियों ये तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक तो अंतर के बारे में हमने बता दिया, एक जो है जॉब कहाँ कहाँ करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों। बहुत से विद्यार्थी हैं कि जॉब करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डी फार्मा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डी फार्मा क्लिनिकल है, बी फार्मा थोड़ा सा जो है सैलरी वगैरह का इशू आता है। और बी फार्मा साथियों इंजीनियरिंग में मैप है, इसमें क्या होता है कि दवा बनाने की फैक्ट्री में आपकी जॉब लग सकती है, प्रोडक्शन में आपकी जॉब लगेगी, और ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब निकलती है उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और केंद्र की एसआई है, वहाँ पे मान्य हो गया है कि वहाँ डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही जो है क्या कहते हैं कि फॉर्म भरेंगे, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करेगा उसकी जॉब लगेगी। लेकिन साथियों मैं एक बात बताऊंगा कि बी फार्मा जो है एक बैचलर डिग्री है। बहुत से विद्यार्थी हैं कहते हैं बैचलर होने के उसके बाद अगर बच्चे के अंदर, विद्यार्थी के अंदर या बंदे के अंदर अगर कैलिबर है, क्षमता है, तो वो किसी भी लाइन में जा सकता है। लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं और पीसीएस बनते हैं। अभी क्या हुआ, पंजाब में एक जो है लोक सेवा आयोग से वहाँ के स्टेट में जो है पीसीएस बने, उन्होंने बी फार्मा किया था। बहुत से ऐसे हैं कि एमबीए करते हैं हाई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। लास्ट कंपनी में जब हम प्राइवेट थे वहाँ पे एक जो है क्या कहते हैं कि लड़की थी, उसने बी फार्मा करने के बाद एमबीए किया था, एचआर में एमबीए थी और वो एचआर का वर्क कर रही देख रही थी। तो इसी तरह से बहुत सी जगह आप जा सकते हैं। एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, मेदांता है, रिवांता है, उसके बाद जो है ग्लेनमार्क का है, बहुत तरह के हॉस्पिटल हैं, तो उसमें आप जो है जॉब कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं क्योंकि बैचलर डिग्री के बाद आपके पास दम है, कैलिबर है, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, साथियों मैं यही कहूँगा अगर आप सेम फील्ड में रहना चाहते हैं तब भी बहुत बढ़िया है। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बी फार्मा को पढ़ा सकते हैं, बी फार्मा आपने किया है थोड़ा सा अपग्रेड करके एम फार्मा कर लेंगे तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, अदरवाइज आप डी फार्मा को पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट आसानी से आपको जो है 35 से 40 हज़ार सैलरी देते हैं अगर आपका काम अच्छा है प्राइवेट में पढ़ाने के लिए, अदरवाइज प्रोडक्शन में भी 25 से 30 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है जो है। फिर जो है क्या होता है, हर साल अप्रेजल होता रहता है, फिर पैसा बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह से डी फार्मा का है। डी फार्मा क्या है कि हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी से लेके, और आप अगर अच्छा काम करते हैं नर्सिंग केयर भी आता है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। साथियों इसमें लिखा है कितना कमा सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड करता है क्योंकि हर साल अप्रेजल होगा। जैसे क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो है रिटेल में चले जाते हैं डी फार्मा करके। रिटेल में क्या है कि साथियों बहुत से ऑप्शन हैं। अब जैसे क्या होता है कैश एंड कैरी वॉलमार्ट, उसमें क्या होता है कि मेडिसिन की एक डिवीज़न होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि ओटीसी आइटम होते हैं पर उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या होता है कैश एंड कैरी है। जैसे वॉलमार्ट है, इनमें क्या होता है कि बी फार्मा और डी फार्मा के भी विद्यार्थियों को रखते हैं। उसी तरह से क्या है कि आप किसी दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं, आपके अंदर कैलिबर है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट में बहुत अच्छी सैलरी है, सरकारी फार्मासिस्ट की सैलरी बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है डिपेंड करता है कि आप स्टेट के एम्प्लाई हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं, अलग अलग सैलरी है, लेकिन लगभग करेंगे तो गजटेड अफसर की सैलरी होती है साथियों, तो पैसा आप बहुत कमा सकते हैं। उसके बाद क्या है आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है कि आप मेडिकल स्टोर अपना खोल सकते हैं साथियों। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही
मतलब इसमें ब्रॉड आप जो है जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जो है मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। प्राइवेट में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपके जो है आप उसमें कमेंट बॉक्स में अगर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो मैं उसमें ज़रूर आपको कॉल करके आपको बात करूँगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, साथियों नमस्कार।